रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे जी। आज हम सब्जियों का मिक्स अचार बनाएंगे। इसके लिए ये मैंने शलजम लिया है और उसको इस तरह से काट लिया है, और इसके अलावा ली है फूल गोभी, तो उसको भी इस तरह से मैंने कटिंग करके रख लिया। तो अभी इन दोनों चीज़ों को हम पहले थोड़ा सा बॉयल करेंगे, लेकिन दोनों को अलग अलग से करेंगे। तो इसके लिए ये पानी रख दिया थोड़ा सा गर्म होने के लिए, और इसमें ये मैंने बिल्कुल चुटकी नमक डाल दिया। और अब ये पानी जो है ये उबलना स्टार्ट हो गया, तो इसमें ये मैं शलजम डाल देती हूँ कटे हुए। ये देखिए ये इसको पकते हुए एक मिनट हो गया, और अब इसको मैं छान लेती हूँ। देखिए इस तरह से ये छाननी ली एक, और इसमें इसको डाल दिया, और इनका पानी अच्छे से निचड़ जाए तो फिर इसको प्लेट में या डिश में कोई कपड़ा फैला के तो उस पर इसको डालना, चाहे तो धूप में रखने चाहे पंखे के नीचे। तो मैं पंखे के नीचे इसको रखूँगी। और अब ये दोबारा से पानी मैंने डाल दिया है, इसको गर्म होने देते हैं थोड़ा। ये पानी जो है वो हल्का सा गर्म हो गया। अब इसमें ये मैंने डाल दी 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून नमक। जितनी देर में हमारा जो गोभी के लिए हमने पानी रखा है वो बॉयल हो रहा है, उतनी देर तक हम इसमें ये डिश ली एक, और इसमें इस तरह से ये मलमल का कपड़ा बिछा लेते हैं। ये मैंने डबल किया है, और मलमल का कपड़ा बिछाने के बाद ये इसमें शलजम डाल देते हैं। ये एक साइड पे मैंने डाले हैं, इस तरफ हम गोभी कर लेंगे। ये देखिए हल्दी और नमक वाला पानी जो है ये पकना स्टार्ट हो गया। अब ये इसमें 1/2 टेबल स्पून मैंने डाल दी सिरका, और इसके साथ ये इसमें जो इसके सख्त वाले हिस्से हैं ये डाल देते हैं पहले। एक मिनट इनको हो गया पकते हुए, तो अब इसमें हम ये गोभी डाल देते हैं। और इसको हमने 2 मिनट तक के लिए पकाना है। जी 2 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब हम फ्लेम जो है वो बंद कर देते हैं, और इसको 4 से 5 मिनट इसी में पड़ा रहने देंगे, उसके बाद इसको छानते हैं। ये गोभी को भी 5 मिनट हो चुके रखे हुए, अब इसको भी छान लेते हैं। और अब इसको पानी अच्छा तरह से निचड़ गया, तो इसको इसमें रख लेते हैं कपड़े में। और धूप हो तो धूप में रख दें, नहीं तो इसको पंखे के नीचे रख दें। तो मैं इसको पंखे के नीचे ही रख रही हूँ 2 घंटे के लिए। ये 200 ग्राम सब्ज मिर्चें ली हैं, और इनको धो के ड्राई होने के लिए रखा हुआ है। देखिए मिर्चें जो हैं ये ड्राई हो चुकी हैं, अब इनको हमने इस तरह से कट लगाना है। चाहे तो ये नमक और हल्दी जो है साथ साथ लगा लें, चाहे बाद में। तो ये मैं सबको कट लगा लूँ उसके बाद लगाती हूँ। ये सारी मिर्चों को मैंने कट लगा लिया, और इसको हल्दी और नमक जो है इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं इसे। ये इस तरह से इसको खोल कर इसमें ऐसे चुटकी चुटकी डालते जाना है। ये थोड़ा सा नमक और हल्दी बच गई, ये भी इसके ऊपर डाल दी हमने। और अब इसको 1/2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। हमने 1/2 टीस्पून लिए सौंफ, 1 टीस्पून मेथे और 1 टीस्पून अजवाइन, और इसमें अब हम शामिल कर लेते हैं ये 2 टीस्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च, और इन सबको भी हम पीस लेते हैं। अजवाइन और कलवंजी को हमने नहीं पीसा, कलवंजी भी मैंने ले ली 1/2 टीस्पून। इन दोनों चीज़ों को नहीं पीसा, बाकी सारी चीज़ें पीस लेते हैं।
ये सारे स्पाइसेस जो हैं ये दरदरे से पीस लिए, और इसके ये गोभी और शलजम जो है ये डाल देते हैं इसमें, और इसके साथ ये इसमें गाजर डाल दी। गाजर को मैंने बॉईल नहीं किया, सिर्फ इसको काटा है। तो इन सब्जियों में ये सारे मसालाजात हमने डाल दिए, और उसके साथ इसमें डालेंगे हम 3 टीस्पून नमक, और उसके साथ ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये सारी चीज़ें डालनी, और इसके साथ अब हमने ये लीमू डाल दिया काट के, बीज इनके मैंने निकाल लिए। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ अब इसमें हम तकरीबन 1 टेबल स्पून सिरका डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी ये सारा कुछ मिक्स हो गया, अब इसमें हम ये सब्ज़ मिर्चें जो हमने नमक और हल्दी लगा के रखी थी ये डाल देते हैं, और इनमें पानी भी है ये भी ऐसे इसमें चलने देते हैं। ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई, और इनको हमने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और इसके बाद इसमें अब हम ऑयल डालते हैं। और ऑयल जो है हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना, और ऑयल को मैंने पहले से गर्म किया हुआ है, गर्म करने के बाद इसको ठंडा कर लिया था। ये देखेंगे ये हमारा जो अचार है बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको किसी बोतल में डाल लेते हैं। जब इसको हम इस तरह से शीशे की बोतल में डाल के रख लेते हैं, ये देखें जी अचार जो है तैयार हो चुका है, और उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।